नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Poco X4 Pro 5G versus iQOO Z6 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 इंच जबकि iQOO Z6 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X4 Pro 5G में 205 ग्राम्स जबकि iQOO Z6 5G में 185 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X4 Pro 5G में AMOLED जबकि iQOO Z6 5G में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X4 Pro 5G में 6.67 इंचेस जबकि iQOO Z6 5G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन X4 Pro 5G में 1080x2400 और iQOO Z6 5G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X4 Pro 5G में 86.01% जबकि iQOO Z6 5G में 84.09% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X4 Pro 5G में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iQOO Z6 5G में 401 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X4 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और iQOO Z6 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो X4 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iQOO Z6 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X4 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और iQOO Z6 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 6 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही Adreno 619 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि iQOO Z6 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X4 Pro 5G में Android V11 जबकि iQOO Z6 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो X4 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि iQOO Z6 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X4 Pro 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं,
जो कि 6 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 18,999 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 19,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो पोको X4 Pro 5G में 8 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें iQOO Z6 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X4 Pro 5G आगे है, मेन कैमरा में X4 Pro 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G 5G है, दूसरा Realme 8 5G है, तीसरा Xiaomi Poco M3 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Oppo A53s 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।